अगर 855 है तो ऐसे डीजल तो ढोना कभी भी पड़ सकता है। अब तो ट्रैक्टर ही नया हो गया, ये भी दोनों इंडिकेटर भी हो गए नहीं। एक ये आ गई बार लाइट, ये स्विच, ये ऐसे काम नहीं कर रही थी पहले इसकी सेंसिंग। हेलो भाई, मैं विवेक स्वागत करता हूँ एक और आज के नए ब्लॉग में। पीछे अगर आप देख रहे हो तो फार्मटेक खड़ा है, फार्मटेक सहाट हड़म्बा थ्रेसर लेके, क्योंकि थोड़ा सा मूंग ये खेत का भी निकलना है तो इसको थोड़े से को निकालते उसके बाद में इसमें हार्वेस्टर चलेगा। बस थोड़ा सा है वो, इसलिए कटाया था, मतलब थोड़े थोड़े कटाते गए, फिर सोचा कि चलो इस खेत में तो हार्वेस्टर चला देते हैं, तो अपनी लेबर है वो दूसरे खेत में चली गई, क्योंकि यहीं पास का पास है तो इसमें तो हार्वेस्टर चलाओ, क्योंकि बहुत मतलब गर्मी इतनी तेज़ है कि लेबरों की तो भाई बस की बात नहीं है, बहुत दिक्कत हो रही है। और फिर अपना मौसम भी भाई लगने लगा है कि पानी आ जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी काम है। तो इतना सारा अपन ने हाथ से कटा लिया था ताकि भूस हो जाएगा, भूस यहीं का यहीं यहाँ आ जाएगा, मेन रीज़न तो वही था, बाकी में हार्वेस्टर चलेगा। और अभी अपने पास फिलहाल ट्रैक्टर एक खड़ा है, दो तो अपने खेत में गए हैं, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है भाई, इसकी बैटरी नहीं है तो इसको चलाना बड़ा मुश्किल है। इसकी बैटरी का कुछ जुगाड़मेंट करते हैं, फिर इसको खड़ा भी करके आना है क्योंकि इसका स्विच चेंज करना है। ये स्विच ख़राब है, देखो फंस गया, ऐसे करना पड़ा था इसको, ये ऑटोमेटिक फंस रहा, तो एक यो चेंज कराना है और इसकी वायरिंग देख लेंगे क्या क्या दिक्कत है, सारा कुछ ओके वायरिंग वाले के पास खड़ा कर दूंगा तो वो बढ़िया कर देगा। लेकिन इसको अभी तो 2-3 बंदे चाहिए तब जाके ये धक्के चालू होगा, है ना। करता हूँ उसका कुछ जुगाड़, फिर देखते हैं क्या करना है आगे। विचार बना था उस ट्रैक्टर को कुछ करने का, लेकिन दूसरे ट्रैक्टर का मालिक हमारे पास आ गया, नया स्वराज 855। भाई तुम ही आप लो, अब डीजल ही ढूंढो हाथ में, कब भैया ले जाओ डीजल, अगर 855 है तो ऐसे डीजल तो ढोना कभी भी पड़ सकता है। गहराई तो बढ़िया है, गहराई तो बढ़िया है। हम पहुंच चुके हैं अपने खेत में, साथ में हमारा दोस्त, हमारा साथी, ये भी खेत में आ गया। अब बस लेबर इतना इकट्ठा कर ले, वो इधर इकट्ठा कर रही, उसके बाद में इसको निकलवाते हैं, फिर थ्रेसर वो चलाएंगे, हार्वेस्टर सारा काम आज, हार्वेस्टर भी यही खेत में चलेगा। ये दिख रहा, ये इतना जिसमें हमने दवाई डाल दी थी, इसमें हार्वेस्टर चलेगा, बस निकलने वाला तो ये है, बाकी फिर जो दूसरे खेत है ये लेबर वो काट रही। इसको तो अपन ने नहीं बोल दिया था कि इसमें हार्वेस्टर बढ़िया चल जाएगा, तो हार्वेस्टर ही चला दो, कोई दिक्कत को नहीं। चलो बुलावा आया है, थ्रेसर ने बुलाया है, सीधा 3 आई। नीचे के गेरों से तो हमारी बातचीत ना होती, क्यों भाई। फार्मटेक 60 चालू और थ्रेसर भी चालू। यो थ्रेसर की कीमत अभी मैं पूछ रहा था ये भैया से, राजस्थान की है, यो बता रहे 4 लाख रुपए की है, बताओ टॉप मॉडल बता रहे वैसे तो सबसे महंगा वाला, लेकिन 4 लाख, 4 लाख कोई हल्की चीज़ है क्या, 4 लाख की थ्रेसर आ रही है आजकल, हैं ये तो 8-9 लाख में पहुंच गए ट्रैक्टर, तो 55 HP दो तो थ्रेसर 4 लाख क्यों पहुंची, मेरे को ये समझ में नहीं आ रही। भी इसके अंदर ऐसे ठूसने पीले हैं जैसे ये पता नहीं क्या ही चीज है, हार्वेस्टर भी शायद इतना माल नहीं ले, ये बेचारे ट्रैक्टर वाले की ऐसी तैसी मार देंगे। यो जो परेशान है वो कम कर करके बोल रहा भाई धीरे दो, ये मानने को राजी नहीं, गियर भी नहीं पकड़ लिया है आगे पीछे करके, यो तुम भी लग जाओ 4-6 मिली पूरा ढेर धक ही दो एक साथ। थ्रेसर गई और लेबर भी दूसरे खेत में जाने के लिए तैयार, अभी अपन ये ट्रॉली खाली करते हैं, 735 भी आ गया, वो भूस खाली कर रहा है, अपन इसकी ट्रॉली खाली करके आते हैं, फिर आएगा हार्वेस्टर आगे करते हैं। ये ट्रॉली भी हो गई खाली, गर्मी तेज से मेरी हालत ख़राब हो गई यार, तभी तो मैं ज़्यादा बोल नहीं रहा आज। हल रहा है कि नहीं, एक तो इसमें बैटरी नहीं है, अब एक तो इसका छत बनवाने दे के आना है, दूसरा इसमें वायरिंग का काम है, वो तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी अपने पास इसको टेस्ट करने का समय तो नहीं है, लेकिन ये जो काम है ये तो करवा ही ले। ये हिम्मत तो नहीं आया यार प्रेम भैया,
चलो जान दे नहीं आए को, आज दोपहर यो काम करा लेती। तो हलीन नहीं रो यार प्रेम भैया, ये थोड़ी ना सहीज में सर का को खासी थोड़े ना हाथी बोल रहे थे। फुल मजे म्यूजिक सिस्टम के, इतनी स्पीड से लाया इसने मत पूछो। ले जा धक्का जरा। मार्केट में पहुंच चुके, अब इसका छत खुलवाता हूँ। वायरिंग वाले भैया से बात कर ली, वो आ रहे हैं आधे घंटे, तो आधे घंटे में अपन तब तक ये छत फेंक देते हैं, उसके बाद में फिर वायरिंग हो जाएगी और क्या आधे घंटे बाद। इसमें नट भी भाई पता नहीं कौन से ज़माने से कसे हैं, तो ये बहुत मुश्किल से खुले। अब इसमें नया डाल दूँगा, यो वाला तो नया डालना ही पड़ेगा, बहुत मुश्किल से खुले ये। यो तो अभी भी नहीं खुल रहा था, इसको इसके लिए ग्लेंडर बुलाया, अभी ग्लेंडर से काटना पड़ेगा इसको, तब जाके ये बाहर आएगा। छत छोड़ दिया भाई स्टिकर का, इसको भी ब्लैक करवाएंगे, जैसे 735 का है ना सेम ब्लैक ही कलर, मेरे को तो अच्छा लगता है मस्त, क्योंकि वो ख़राब भी नहीं होता। अब जाएगा ये वायरिंग वाले के पास, चल राजा। गर्मी से बचने का एकमात्र उपाय, क्योंकि छत भी नहीं है, गर्मी फिर तो बहुत तेज लग रही। इस औजार को खड़ा कर दिया यहाँ पे वायरिंग वाले भैया के पास, अब बस थोड़ी बहुत देर बाद इसका काम चालू हुआ, क्योंकि आगे जॉन्डियर लगा है। वर्क इन प्रोसेस, स्विच तो डल गया, अब फॉरन की बटन डल रही है इसमें अलग से। और इधर बढ़िया ठंडी ठंडी हवा, ठंडी ठंडी हवा। हम घर आए और हमने यहाँ पे एक नया सुहांग देखा, कि एक आदमी जैसे ठंड में बाहर धूप में बैठते ऐसा बैठा है, क्या बात है, ये मगरमच्छ या मछला है? बिल्कुल ये टंकी में से निकल कर बैठे लानी, वाह रसन खरब जलवा है, ऊपर से पानी डाल लियो और बाकी काम का मजा ली रो। असली आनंद तो जीवन में तो ही ली रो रसन, देख मान ली हो, टांग भी सीधी हुई और क्या चाहिए। लोगों नाश्ता काढ़ा तेढ़ा चल रहा फिलहाल, इसमें भाई बैटरी डाल दी, अब ये टेस्टिंग के लिए तैयार है, उसके बाद बाकी काम होगा। आज उस दिन से अच्छा चल रहा है, मतलब आप हो रहे इसकी सेंसिंग, ये मैंने रखा नीचे, तीन लो लगाया और ये देखा और गहरी करी, ये सेंसिंग चालू। थर थर करने लगा, ये थर थर कर रहा नहीं, ये देखो जैसे ही लोड पड़ा थर थर करके उठा लेगा यू, ये ऐसे काम नहीं कर रही थी पहले इसकी सेंसिंग। हो गया सक्सेस प्रोग्राम, एक नंबर चल रहा। एक ये आ गई बार लाइट, ये स्विच, अब ये सारी चीज़ें एक बार फिट कराते हैं फिर दिखाएंगे। इस ट्रैक्टर में होल करवा दिए दो ऊपर और एक नीचे हॉर्न के लिए, और ये रही बार लाइट, पहले अलग अलग लाइट लगाने का मन था, लेकिन अब ये बार लाइट लगा देते हैं क्योंकि अपने को मिल गई, तो मैंने कहा चलो डाल ही दें। फिर वायरिंग का काम हो गया, एक ये हो गया, बाकी उस्ताद जी ने सारे सामान नए डाल दिए, अभी चालू हो जाएगा झकाझक, और इधर भी सिस्टम झकाझक, सारी लाइट चालू हुई तो धुलना पड़ेगा ना, बहुत धूल है, पर उधर भी नया लग गया, सारी चीज़ें नई नई, बार लाइट भी लगा दी। चालू करके दिखा दूँ एक मिनट, ये लो मस्त हो गया। ये तो यही सुहांग चलना बाकी रहेगा यार, तेरी तो धुआं है काई है, तू ऐसा तो इंसान मर जाएगा। सारी चीज़ें चालू हो गई, यो भी हो गया, अब तो ट्रैक्टर ही नया हो गया, ये भी दोनों इंडिकेटर भी होएगा नहीं, पार्किंग चालू हो गई, देखो लाइट अच्छा है, सारा काम हो गया इसका ओके, सारी चीज़ें नई नई डाल दी, और अब ये जा रहा है, जा कहाँ रहा है, अभी तो धुलेगा, अभी तो और लीवर सेट कराना है, चलो निकालो नहीं बाहर। वो ट्रैक्टर भाई चला गया आगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा और भैया के पास काम था, मतलब वायरिंग तो हो गई डन, अब है उसकी लिफ्ट का एक नट टाइट करना है, बाकी उसकी वायरिंग में 2100 रुपये लग गए, उसमें खाली वायर, अभी चारों इंडिकेटरों का तो अलग सोचो, वायरिंग में बहुत खर्चा होता है। हो गया ट्रैक्टर कम्प्लीट, राजेश हम बता कहीं फ़र्क दिख रो, ट्रैक्टर देख और बता पहले जब आया था और अभी हमें लग रहा ना फर्क लग रो, अभी देख और फर्क दिख रो है, फिर लाइटिंग झकाझक सारी चीजें ओके लगता है भाई। हाँ भाई वन दियो नहीं, अब ओके आगे पीछे ऊपर नीचे, ये खराब है नहीं बढ़िया
हाँ मस्त। ये सब नया नया लट्टू डला है, जैसे तू मैं लूनाम डला है, नहीं सेम काम कर दिया थरा के देख का हमने। नहीं अपन भी खर्चो करो यार। राधे से हम भर दोपहर में चुड़ैल बना था, दोपहरी वाली चुड़ैल। ट्रैक्टर बाकी कैसा क्या था? नहीं, नहीं, बढ़िया था ट्रैक्टर, एक नंबर हो गया ना, एक नंबर हो गया। मेहनत वसूल दिन भर की। अरे उसका साउंड ही अलग बज रहा है, लग रहा है कि कुछ किया गया है इसमें। बाकी भाई आज की वीडियो में था इतना ही, हम वापस नहाने की तैयारी, हमने पानी भर लिया। खैर पानी भर के नहाया नहीं जाता और कुछ किया जाता, लेकिन हम तो जा रहे हैं नहान। टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल।